घर में दो ब्लॉगर हो चुके हैं, इसलिए हमको चीज़ें भी अलग अलग रखनी पड़ती है ऐसे अपनी आइडेंटिटी लगा के, ताकि मिक्स नहीं हो जाए। ये भी कॉम्प्लिकेटेड है यार। Recently, I started reading this book. अब इस बुक को मैंने पढ़ना क्यों शुरू किया? मैंने शुरुआत करी इस बुक की, और इस बुक के बारे में जो मैंने मेनली सुना है वो है कि, मतलब इस बुक का नाम है सबसे पहले द करेज टू बी डिसलाइक्ड। अब इसमें ये बताया गया है कि आप किस तरीके से अपने आप को फ्री कर सकते हो दूसरों के जो आपके थॉट्स आते हैं ना, कि आप वो इंसान क्या सोचेगा, ये इंसान क्या सोचेगा मेरे बारे में, अगर मैंने ये कह दिया तो ये गलत ना हो जाए, वो गलत ना सोचने लगे, जिस वजह से हम अपनी हैप्पीनेस को किल कर रहे होते हैं। और इस बुक में बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने माइंड को फ्री कर सकते हो, यानी द करेज टू बी डिसलाइक्ड, यानी आपको अगर लोग पसंद नहीं भी करते हैं तब भी आप खुश कैसे रह सकते हो। सोशल मीडिया पे होने की वजह से ना काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि कई सारी चीज़ें ना कई लोगों को पसंद नहीं आ रही होती हैं, जिस वजह से काफ़ी हेट का भी सामना करना पड़ता है। पुराने टाइम पर मेरी बाइक तोड़ी गई, कभी कुछ तोड़ा गया, और ऐसी कितनी सारी चीज़ें हो जाती थी जो कि मैंने अपने 2 मिलियन वाले वीडियो में बताया हुआ था। और ऐसा कई बार होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, काफ़ी सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो उस टाइम पर आप अपने आप को खुश कैसे कर सकते हो, शायद ये बुक उस चीज़ में हेल्प करने वाली। मैंने अभी शुरुआत करी है इस बुक की, और देखते हैं किस तरीके की होती है बुक। जो भी इसमें थॉट्स होंगे, जो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप सभी लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा। अभी बहुत टाइम से हो क्या रहा है ना, वो तबीयत खराब वाली चीज़ मैंने ना स्टोरी पे भी शेयर करी थी कि पहले तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है जो ये वायरल चल रहा है जिस वजह से, और फिर तबीयत खराब होने के बाद भी मैं वर्कआउट करने चला जाता हूँ, अंदर से चूल्हा काट रहा होता है, मेरे को मन कर रहा होता है, मैं 200+ डेडलिफ्ट भी मार के आ जाता हूँ, उसके बाद में तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है, और फिर उसके बाद में उठा भी नहीं जाता मैं, फिर भी कैसे भी करके उठ के अपना प्रीवरी लेके वर्कआउट करने चला जाता हूँ, उसके बाद में एक दिन और तबीयत सही हो जाती है। और ये चलता ही चला जा रहा है, मतलब ये चीज़ 7 दिन 10 दिन 15 दिन में एक बार दोबारा हो जाता है। कई सारे लोग कहते हैं इसे नज़र लगना, कई सारे लोग बोलते हैं कि यार रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, मैं रेस्ट भी करके देख लेता हूँ, मेरी मम्मी नज़र भी उतार देती हैं, फिर से वापस हो जाता है। अब मेरे को समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा होता है। ये मेरी एवरीडे सुबह ब्रेकफास्ट मील रहती है, जिसके अंदर 100 ग्राम ओट्स रहते हैं, उसके साथ में 1 बनाना, पपीता रहता है 70-80 ग्राम्स, और उसके साथ में 2 टेबलस्पून हमारा पीनट बटर, दिस इज़ प्रोटीन पीनट बटर। आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ, अगर आपको दिन भर अपनी मील्स बहुत अच्छी रखनी है ना, अपने ब्रेकफास्ट की शुरुआत है ना बहुत अच्छी हेल्दी मील के साथ में किया करो, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, प्रोडक्टिव। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार जब हम अपनी सुबह की मील ब्रेकफास्ट मील खराब कर लेते हैं ना, पूरा दिन बिगड़ने लग जाता है। इसलिए सुबह क्विक मील और हेल्दी मील लेता हूँ, जो हाई प्रोटीन मील है, जो कि है मेरे ओट्स। अब कई सारे लोग कन्फ्यूज हो रहे थे कि हाई प्रोटीन मील कैसे हो रहा है, ओट्स 100 ग्राम में इतना प्रोटीन कैसे मिल रहा है, दिस इज MB हाई प्रोटीन ओट्स। इसकी अगर 50 ग्राम की भी आप सर्विंग ले रहे हो ना, तो 50 ग्राम में अगर 250 ml मिल्क के साथ में आप यूज़ करते हो तो 17 ग्राम प्रोटीन मिलता है इसके अंदर आपको, और मैं तो 100 ग्राम ओट्स ले रहा हूँ, तो केवल ओट्स 100 ग्राम ओट्स से ही मेरे को 21.91 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, उसके साथ में मिल्क का अलग से आपको प्रोटीन मिल रहा है, साथ में मैं 2 चम्मच पीनट बटर यूज़ कर रहा हूँ, और पीनट बटर भी नॉर्मल नहीं है, प्रोटीन पीनट बटर है, तो उससे भी मुझे पर सर्विंग जो होती है 1 चम्मच जो होता है वो उसके अंदर है ना 9.6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो वो भी ऑलमोस्ट 19 ग्राम प्रोटीन हो गया। ओट्स से मेरे को 21 ग्राम्स मिल गया, तो टोटल 40 ग्राम्स के आसपास में, और उसके साथ में दूध का भी मेरे को मिल जाता है, तो ऑलमोस्ट 50 के आसपास पहुंच जाता है मेरा प्रोटीन। तो ये हाई प्रोटीन आपका जो ओट मील है वो बन जाता है मॉर्निंग में, और बहुत ही क्विक होता है, बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही ईजी टू ईट होता है, और ये विद प्रोबायोटिक्स होता है, तो आपको है ना प्रोबायोटिक्स भी मिल जाते हैं उसके साथ में। इसकी एक और रेसिपी होती है जिसमें आप है ना वो बना सकते हो, इसकी प्रॉपर लड्डू होते हैं ना, लड्डू की तरह बना सकते हैं, तो वो बना के एक बार देखूंगा मैं कि कैसे लगते हैं, वो फिर आप लोगों को बताऊंगा। बाकी गाइस, इसका लिंक, मेरे पूरे सप्लीमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए अपने भाई का कोड आनंद30 का जरूर इस्तेमाल करना, भाई को सपोर्ट करना। बगल में नई पिटबुल आई है, उससे बात करी तूने?
एक पिटबुल रहने आएगी नई में, उस पर बात करी तूने? नहीं करी। कब करेगा? अरे भाई जैस्मिन नाम है उस पिटबुल का। क्या नाम है? जैस्मिन। पहले आ रहा है? नहीं नहीं एक आई, ये बात नहीं कर रहा उससे। कहाँ पे? बगल में। अब जिम में अपने आप को पुश नहीं कर पा रहे हो, जो वेट आप लगाते हो धीरे धीरे करके प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पा रहे हो ना, तो अपनी ना स्लीप अच्छी करके देखो एक बार, क्योंकि स्लीप की वजह से भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब स्लीप अच्छे से नहीं ले पा रहे तो ना वेट भी अच्छे से पुश नहीं कर पाते। आप इस चीज़ का ऐसे ट्राई भी कर सकते हो कि वर्कआउट करने जाने से पहले ना आधे घंटे एक घंटे का नैप लेना है आपको, और नैप लेने से पहले आपको ना कुछ अच्छे से अपनी पूरी मील खानी है, कार्ब मील अच्छे से भर के, और उसके बाद सो जाना आधा एक घंटे के लिए, और फिर उसके बाद वर्कआउट करने के लिए जाना, फिर देखना वर्कआउट किस तरीके का होगा। जल्दी जल्दी में ईयरफोन भूल गया यार, मतलब अपने एयरपॉड्स। एक बात ट्रेनिंग करते वक्त आ रही थी मेरे मन में कि जो भी चीज़ करना आपको आपके मकसद से जोड़े रखता है ना, तो उसको आपके दिन भर में सबसे प्रायोरिटी पर होना चाहिए। पूरा दिन भले ही फकअप कर लेना लेकिन उसको मत छोड़ना, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप अपनी मेन चीज़ जो आपका मकसद से जुड़ी हो, आपके गोल से जुड़ी हो, उससे फकअप करते हो ना, तब आपका एक्चुअल में लंका लगना शुरू होती है। जैसे मेरी ट्रेनिंग रहती है, ट्रेनिंग मेरा सबसे बड़ा मकसद है, मतलब ट्रेनिंग से ही मेरे को सब कुछ मिलता है, ट्रेनिंग से ही मैं अच्छा फील करता हूँ, ट्रेनिंग ही मेरा एक गोल रहता है। मतलब जितने ही मेरे गोल्स जुड़े हुए हैं ना वो ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं, तो वो ट्रेनिंग करना मेरे मकसद से जुड़े रखता है मुझे। कुछ भी हो जाए दिन भर में, कुछ भी रूटीन हो, मैं ट्रेनिंग तो ज़रूर करता हूँ कुछ भी हो जाए। जैसे कि अभी मुझे निकलना है, बाहर जाना है, आगरा जा रहा हूँ मैं अभी कुछ काम के लिए, वो अभी बताता हूँ। मैं चाहता तो पहले अपना काम निपटा कर आ जाता, फिर वापस आके ट्रेन करने के लिए जाता। मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं शायद गया तो मेरी ट्रेनिंग फकअप हो सकती है और दिमाग ख़राब हो सकता है, इसलिए सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग निपटा ली। एंड आपको चाहे जो भी चीज़, जैसे आपको पढ़ाई अगर आपके मकसद से जुड़ी रखती है, आपको IAS IPS जो भी बनना है, आपको अगर ऐसा लगता है कि पढ़ाई करने से ही आपकी वो चीज़ जुड़ी रहती है, तो सबसे पहले उठ के पढ़ाई किया करो, सबसे पहले उस चीज़ को करा करो जिससे आप मोटिवेटेड रह पाओगे। और कुछ भी चीज़ होती है, कई लोगों का बास्केटबॉल है, कई लोगों को फुटबॉलर बनना है, कई लोगों को क्रिकेटर बनना है, तो आप सुबह उठ के वो चीज़ कर लो ना, और उसके बाद में आप बाकी चीज़ें करो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप प्रोडक्टिव कर चुके हो अपनी चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आस्क आनंद के दो क्वेश्चन थे, पहला तो आप लोग एक्सरसाइज मांग रहे थे सारे के सारे बॉडी पार्ट्स के, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि पूरी एक दोबारा से सीरीज़ बना दूँ अच्छे से। अभी जो मैं करंटली अपनी स्प्लिट है जो मेरी, उस ट्रेन कर रहा हूँ किस तरीके से, मसल्स को ट्रेन कर रहा हूँ किस तरीके से, मैं पर्टिकुलर हर एक मसल पे फोकस करता हूँ, क्या एक्सरसाइज रहती है, कितने सेट कितने रैप्स, ये सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ बनाने का पर्टिकुलर हर एक बॉडी पार्ट पे। तो मुझे उसके लिए ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको वो सीरीज़ चाहिए, या आप ऐसा एक सीरीज़ ढूंढ रहे हो तो मैं पर्टिकुलरली हर एक पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा उस पर, जिससे आपको आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ऑल्सो सेकेंड क्वेश्चन था आस्क आनंद का कि भाई कॉम्पिटिशन जो भी हम खेलते हैं उसमें साइज़ कितना मैटर करता है, या कितना साइज़ होना चाहिए। देखो यार ये चीज़ नहीं होती कितना साइज़ होना चाहिए, जिनका बहुत सारा साइज़ भी होता है ना वो लोग भी कॉम्पिटिशन हार जाते हैं, और कम साइज़ जिसका होता है वो जीत जाता है। कॉम्पिटिशन में जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा, जितना मैंने अपने कॉम्पिटिशन में देखा था, और जितना मैं जब कॉम्पिटिशन देखता भी हूँ तब मुझे समझ में आता है विनर्स को देख के, कि कंडीशनिंग मैटर करती है, आपकी जो क्वालिटी है ना वो मैटर करती है। आप साइज़ लेकर ज़्यादा आ भी जाओगे लेकिन आपके मसल्स अच्छे तरीके से शो नहीं हो रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, आप हार जाओगे। कंडीशनिंग, आपका हर एक मसल अच्छे तरीके से दिखना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, और जब भी आप अपना मसल शो करते हो ना पोजिंग करके, तो पोजिंग बहुत मैटर करती है, पता है। सबसे पहली चीज़ कंडीशनिंग, कंडीशनिंग अच्छी होगी तभी आप पोजिंग में मसल दिखा पाओगे। लेकिन जिनकी कंडीशनिंग भी अच्छी होती है वो अगर पोज खराब कर देते हैं अपने, तो उनके खराब हो जाता है, मतलब पोज खराब हो जाते हैं, जिस वजह से जजेस उनको नहीं जताते हैं। तो सिंपल है, सबसे पहले अपनी कंडीशनिंग पे मेहनत करो, मतलब अच्छा एक ऐसा साइज पुट ऑन करना चाहिए जिससे आपकी फिजिक जब कोई देखे तो ये ना कहे कि यार यहाँ पे कमी दिख रही है।
कंडीशनिंग अच्छी लेके जाओ, श्रेड जब करो एंड तक, जब पीक वीक लेकर खत्म करते हो आपका साइज बहुत अच्छा दिखना चाहिए आपकी कंडीशनिंग के साथ में। ऐसा नहीं कि वो साइज साइज दिख रहा है, साइज दिखना चाहिए कंडीशनिंग के साथ में, आपकी बॉडी बहुत प्रोपोर्शन में दिखनी चाहिए अच्छे तरीके से कि यार ये बहुत खूबसूरत फिजिक दिख रही है। और उसके साथ में आपकी पोजिंग, मैंने अपने जो मसलमेनिया कॉम्पिटिशन जिसमें गोल्ड जीता था उसमें मैंने ना पूरे स्टार्टिंग के प्रेप से अपनी पोजिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, जिसका फ़ायदा मुझे अपने स्टेज पर देखा। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था अपनी पोजिंग में और बहुत अच्छे तरीके से पोजिंग कर रहा था, और जिस वजह से मैं अपने मसल्स को अच्छे तरीके से दिखा पाया। और वही वहाँ पर वो आपका जो एटीट्यूड रहता है ना, जो कॉन्फिडेंस रहता है स्टेज पर, वो बहुत मैटर करता है। तो ये दो चीज़ें हमेशा याद रखना आप। बाकी गाइस आज के लिए बस इतना ही, आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, एक कमेंट कर देना आपके जो भी मन में हो, कुछ भी क्वेश्चन है आस्क आनंद हैशटैग के साथ में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, पीस। और जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि मैं अपने बाल वाल और ये सब क्यों नहीं कटवा रहा हूँ, ये ऐसे हो रहे हैं, मुझे थोड़ा सा मैसी रहना पसंद आ रहा है अभी के टाइम पर। जब ऐसा लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है तब मैं कटवा दूँगा। बाय।